और गाइस जो टैंक वाला कार्बन है ना और ये वाला जो मैंने दिल्ली से कराया है, इसमें रात दिन का डिफरेंस है। अभी मैं बताऊंगा वो भी आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, सामने का व्यू चेक कर लो, क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर। और गाइस यार, अभी चल रहे हैं भाई के फ़ोन में जो फ्रंट कैमरा है वो चल नहीं रहा है आईफोन का, तो उसको दिखाते पहले क्या दिक्कत आ रही है फ़ोन में, और उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि यार बाइक में मैंने क्या क्या मतलब करवाया है। न्यू मॉडिफिकेशन मतलब जो कार्बन है वो भी चेंज करवा लिया है, क्योंकि मतलब जो पहले वाला था ना उसका लुक है ना मतलब थोड़ा डिफरेंट आ रहा था, और अभी नया वाला जो कार्बन है ना गाइस वो नेक्स्ट लेवल है। और पहले अपन जो भाई का पहले फ़ोन है उसको दिखाते हैं, और देन फिर कहीं खाली जगह चल के आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या न्यू मॉडिफिकेशन कराई है बाइक में। तो आप जब तक करो गाइस ब्लॉग को एंजॉय। और अभी शाम के बज गए गाइस 6, जल्दी से चलते हैं। और गाइस भाई की बाइक का लुक चेक कर लो, मतलब नेक्स्ट लेवल आ रहा है यार, मतलब अलग ही सेवा है यार। और ये आ गई वैल्यू प्लस शॉप, यही से लिया था, और इनको दिखाते हैं जल्दी से कैसी दिक्कत आ रही है फ़ोन में। तो भाई जब सुबह फ़ोन लेके गए थे तो अब देखते हैं कि क्या हुआ उस फ़ोन का, ठीक हुआ है नहीं हुआ। हेलो भैया, क्या हाल है, और चलते हैं। तो भाई यार, जो काम था वो नहीं हुआ और बोल रहे एक डेढ़ घंटे बाद आना, तो फिर अब चलते हैं और मैं बताता हूँ यार कि बाइक में क्या क्या न्यू मॉडिफिकेशन कराई है। और अपनी RS खड़ी है, और अपनी R1 जी ले यार, पीछे ले ले, जा खाली हो, जा खाली हो पीछे, हाँ मैं जानता हूँ, चला जा। तो गाइस चलते हैं और आपको अब सीधा वही मिलते हैं। तो गाइस यार, जैसे कि यार आपने स्टोरी देखी थी कि मैं दिल्ली भी गया था अभी कुछ दिन पहले, और क्या क्या न्यू मॉडिफिकेशन कराई है बाइक में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यार, आप सबके पहले कमेंट आ रहे थे कि सौरभ भाई जो वाइज़र है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, तो आप सबकी डिमांड पे मैंने वाइज़र भी चेंज करवा लिया। और गाइस अब आती है मेन बात, तो ये चेक करो गाइस, मतलब जो यहाँ पे बबल्स हो रहे थे ना वो भी हट गए हैं, और इसका यहाँ से कार्बन भी मतलब पूरा हट रहा था, तो वो भी चेंज हो गया दोनों साइड का। मतलब अभी आपको मैं सिनेमैटिक शॉट्स में दिखाऊँगा कि मतलब कि कैसा लग रहा है। तो गाइस जो टैंक वाला कार्बन है ना और ये वाला जो मैंने दिल्ली से कराया है, इसमें रात दिन का डिफरेंस है, अभी मैं बताऊंगा वो भी आपको। और गाइस जो मरगार्ड का लुक है ना वो चेक करो गाइस, वो है नेक्स्ट लेवल। मतलब ये चेक करो, देखो गाइस ये, और जो ये वाला मतलब ये तो मैंने अजमेर से करवाया था कार्बन, और ये वाला जो है ना गाइस ये मैंने दिल्ली से करवाया कार्बन अभी, और इसका जो लुक है ना गाइस वो नेक्स्ट लेवल आ रहा है। मतलब पूरी कार्बन हो चुकी है अपनी बाइक, और इसके जो मिरर है ना गाइस वो भी पहले मतलब अजमेर से करवाए थे, बट उसका क्या इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, मतलब कि वो यहाँ से हट रहा था कभी, मतलब यहाँ से हट रहा था। तो अब लुक चेक कर लो गाइस कि क्या लुक आ रहा है, मतलब पूरी कार्बन हो रही बाइक, और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर करना, क्योंकि यार इधर आसपास में मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा यार कि यहीं पर बना लेते हैं। और अब देखो गाइस इसमें मतलब कि ये भी फुल मैच हो रहा है, ये मतलब पुराना वाला कार्बन है, और अभी जो नया वाला ना गाइस वो यहाँ पे करवाया, जैसे मरघाट पे आपको दिख ही रहा होगा, और ये मिरर भी करवाया दोनों। मतलब बताना गाइस यार कमेंट करके कि कैसा लुक आ रहा है कार्बन का। और गाइस यार ऐसे सपोर्ट करते रहो हर वीडियो को, और मतलब कि दोनों मतलब कार्बन जो होने के बाद लुक आ रहा ना बाइक का गाइस वो नेक्स्ट लेवल आ रहा है। मतलब यार ये चेक करो, मतलब जो ये कार्बन है ना वो नेक्स्ट लेवल लुक दे रहा है, और जो ये वाइजर है ना गाइस इसका जो मतलब कलर है ना ब्लैक, वो डार्क ब्लैक है, इससे भी ज़्यादा डार्क है ये, जैसे कि यार आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और अब भी जो इसका लुक आ रहा है ना गाइस वो नेक्स्ट लेवल है। गाइस पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर ही करना, क्योंकि यार जैसे कि मैंने बताया कि यार कई जगह नहीं मिल रही थी तो यहीं आ गए। और जो इसका एग्जॉस्ट है ना गाइस, ये तो कार्बन आता ही है अलग ही, बट यार ये साफ मना कर दिया कि ये जो चीज़ें ना गाइस नहीं होगी, क्योंकि यार ये मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब इसमें ये देख रहा हूँ ना गाइस मतलब ऊपर नीचे है, इसकी वजह से साफ मना कर दिया कि यहाँ कार्बन नहीं होगा। और अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इग्नोर करना, इंडिकेटर देख लो पहले आप, कुछ पता लग रहा है वैसे तो नहीं लग रहा होगा, और वैसे अगर पता लग रहा है तो इग्नोर करना, मैं बताता हूँ। ये मेरे
पुराना वाला इंडिकेटर है और ये भाई के पास था, मतलब ये पूरा क्रैक हो गया था। तो मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए लगा रखा, क्योंकि यार नया इंडिकेटर ऑर्डर किए हैं तो आने में टाइम लगेगा। और यही था, और तो क्या आइस, और मतलब जो पुराना वाला कार्बन है ना आइस, उसमें इतना मुझे दम नहीं लगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला, इसको ऑर्डर करूँ और पूरी बाइक पे ये करवाने ही सोच रहा हूँ। क्योंकि जो मतलब ये 5D 6D होगा, हालांकि इतना पता नहीं मुझे, मैंने अजमेर से कराया था, बट इसका जो लुक है ना गाइस, मतलब वो 9D या 8D करीबन से भी अबव होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इससे तो बहुत ज़्यादा शाइन मार रहा है। और मतलब इस पर ना पन्नी है कार्बन के ऊपर, और इस पर कोई पन्नी नहीं है, मैंने पन्नी हटवा के फिर लगवाया। और गाइस ये चेक कर लो, यहाँ पे भी कार्बन हो रहा है, मतलब फुल पावर कार्बन हो रखी पूरी बाइक। अब इसमें एक जगह कार्बन बचा है, बट वो मैं जल्दी कराऊंगा, कराने के बाद आपको बताता हूँ उसका क्या। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है यार वो। और बाकी आपकी भाई की जो बाइक है ड्रैगन, उसका कैसा लुक आ रहा है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस यार अपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जिसने अभी तक अपने भाइयों ने नहीं किया है। और गाइस यार कमेंट में ज़रूर बताना कि अपनी बाइक कैसी लग रही है। आप जब तक करो सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय। यार कमेंट करके बताना कि यार जो अपने ये हेलमेट है ये कैसा लगा, क्योंकि यार मतलब इसके पीछे मैंने जो मेहनत की ना हेलमेट के, वो मैं बता भी नहीं सकता। कमेंट आ रहे थे कि सौरभ भाई वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही है, तो इसलिए ही हेलमेट लिया, नहीं तो मैं उससे भी वीडियो बना सकता था। बाकी आप बताना कि यार कमेंट में कि हेलमेट कैसा लगा। और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि गाइस यार ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना, और ऐसे ही नए व्लॉग के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।